तुम अपने रब को अपने अच्छे वक्त में याद रखो और रब तुम्हें तुम्हारे बुरे वक्त में याद रखेगा। And how amazing is this hadith? Example ले लें आप सुबहानअल्लाह फिरौन की और यूनुस की, दो लोग थे, दोनों पानी में डूबे, दोनों ने अल्लाह से दुआ की, एक का रिजल्ट बिल्कुल डिफरेंट, एक का बिल्कुल डिफरेंट। जब भी सवाल करें अल्लाह से करें और जब भी मदद मांगे अल्लाह से मांगे, किसी और से नहीं मांगे, किसी के पास ना जाएं। इस्लाम इज सिंपल। देखिए कुछ लोग हैं जो आप जब उनके पास प्रॉब्लम्स लेके जाते हैं ना, वो आपको लोगों पे डिपेंड करते हैं, फला पीर साहब के पास जाएं, फला राकी के पास जाएं, फला के पास जाएं। और कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि यार किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, रब्बुल आलमीन के सामने खड़े हो जाएं, सदका दें, दुआएं करें, अल्लाह से मांगे अल्लाह ता करेगा। इस्लाम मेक्स यू इंडिपेंडेंट। तो उन लोगों के पास जाएं जो आपको कहते हैं, लोगों के पास, हमारे पास भी आने की जरूरत नहीं है, हम कुछ भी नहीं कर सकते, रब्बुल आलमीन की ज़ात जो हर चीज़ कर सकती है।